तो बच्चों अब हम करते हैं 12th क्वेश्चन। और बच्चों ये बहुत ही इजी क्वेश्चन है, देखिए इसको। ए मैन इन्वेस्ट्स रुपीज 8800 ऑन बाइंग शेयर्स ऑफ फेस वैल्यू ऑफ रुपीज 100 ईच, 100 ठीक है, फेस वैल्यू 100 ईच एट ए प्रीमियम ऑफ 10%। इफ ही अर्न्स 1200 एट द एंड ऑफ ईयर एज डिविडेंड, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स एंड डिविडेंड परसेंट पर शेयर। सबसे पहले जब भी आप क्वेश्चंस अटेम्प्ट करते हो बच्चों, मेरा हमेशा से यही कहना है कि जब भी आपको जो जो चीज़ आप अगर आप क्वेश्चन अटेम्प्ट कर रहे हो तो जो भी आपको गिवन है पहले आप उसको यहाँ पे लिख लो। उसके बाद ना बहुत ईजी हो जाता है क्वेश्चन। देखो इन्वेस्ट मतलब, इन्वेस्ट मतलब इन्वेस्टमेंट है ना। इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों मेरे पे 8800 जो मुझे गिवन है वो मैं यहाँ लिखता रहता हूँ, ठीक है। इनकम देखो कितनी है, अर्न्स अर्न्स इतना रुपीस है ना, तो इनकम कितनी हो जाएगी, इतना नहीं हो जाएगा ठीक है, इनकम इतनी हो गई। और देखो यहाँ पे फेस वैल्यू 100, तो देखो फेस वैल्यू कितनी होगी मेरे पे 100 रुपीस, ठीक है। एंड अर्न्स ए प्रीमियम ऑफ 10%, मतलब जो मार्केट वैल्यू है ना वो कितना होता है, 10% ज्यादा है फेस वैल्यू से, है ना। तो मैंने आपको बताया था कि क्या बताया था, 100 प्लस 10% ऑफ 100 इंटू फेस वैल्यू। तो देखो फेस वैल्यू कितनी थी मेरी यहाँ पर, यहाँ पे फेस वैल्यू थी 100, तो कट गया ये, तो कितना हो गया मेरा मार्केट वैल्यू कितनी होगी बच्चों, 110। देखो मार्केट वैल्यू भी आ गई, फेस वैल्यू भी आ गई, इन्वेस्टमेंट भी आ गया, और कुछ है, हाँ ये तो लिखा ही नहीं, इनकम, इनकम मतलब जो जितना उसने अर्न किया, राइट। तो इनकम कितनी है इसकी, 1200 रुपीज। अब कुछ नहीं करना हमें, आप सिर्फ मैम क्वेश्चन में आते हैं और देखते हैं क्वेश्चन कैसे किया जाए। अब क्या कह रहा है बच्चों, ये कह रहा है कि सबसे पहले तो मुझे क्या निकालना, नंबर ऑफ शेयर्स निकालने। तो देखो नंबर ऑफ, ये मैंने निकाल लिया यहाँ पर हर चीज। अब देखो क्वेश्चंस पे हम आते हैं, फाइंड द नंबर ऑफ शेयर्स, राइट। शेयर्स, शेयर्स कैसे निकाला जाए बच्चों, देखो इन्वेस्टमेंट वाला फॉर्मूला लगाता हूँ, इन्वेस्टमेंट इक्वल्स टू बच्चों नंबर ऑफ शेयर इंटू मार्केट वैल्यू। तो इन्वेस्टमेंट कितना है बच्चों मेरे पे 8800, नंबर ऑफ शेयर ही तो निकालना है, इसको मैं एन ले लेता हूँ। और मार्केट वैल्यू कितना है बच्चों, 110 110, जीरो से जीरो कैंसिल, 11 बन जा, 11 8 जा, तो एन की वैल्यू कितनी आ गई बच्चों, 80, मतलब नंबर ऑफ शेयर्स कितना है मेरा, 80 आ गया। बहुत ईजी है। तो अब बोल रहा है डिविडेंड परसेंट पर शेयर, मतलब क्या, डिविडेंड परसेंट निकालना है मुझे हर शेयर का, मतलब रेट ऑफ डिविडेंड निकालना है। तो रेट ऑफ डिविडेंड निकालने के लिए बहुत ही इजी है बच्चों, देखो वही इनकम वाला फॉर्मूला लगाता हूँ। तो इनकम इक्वल्स टू नंबर ऑफ शेयर्स इनटू रेट परसेंट इनटू मार्केट फेस वैल्यू, सॉरी फेस वैल्यू, राइट। बस अब आपको कुछ नहीं करना, अब आपको क्या करना है, सीधे सीधे आंसर निकालना है। तो इनकम हमारा आपको गिवन है, इनकम कितना है, 1120, 1200, नंबर ऑफ शेयर्स अभी भी निकाला 80, रेट परसेंट कितना है बच्चों यहाँ पे, कहाँ है रेट परसेंट, तो निकालना है रेट परसेंट ही तो निकालना है। तो रेट परसेंट मैं यहाँ लिख देता हूँ। और फेस वैल्यू कितना था बच्चों, फेस वैल्यू कितना था, 100, ओके, जीरो से जीरो, जीरो से जीरो कैंसिल आउट, राइट। अब परसेंट था तो नीचे 100 भी लगाना था, इसको मैं एक जीरो से एक जीरो कैंसिल, तो ये कितना हो जाएगा, 120 अपॉन 8 इक्वल्स टू रेट परसेंट, तो कितना हो गया, 4 2 जेड 8, 4 3 जेड 12, और रेट आ गया बच्चों, रेट परसेंट है मेरे पे 15%, मेरा इसका आंसर आ जाएगा। तो जो रेट है वो कितना है आ गया बच्चों, 15%। तो देखो ये हमारे दोनों आंसर्स हो चुके हैं, ये मेरा सेकंड वाला, ये मेरा फर्स्ट वाला, और काफ़ी इजीली हमने इसको सॉल्व कर लिया है ना। तो अब हम नेक्स्ट वाला करते हैं।